है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कराए हैं यमा FGS, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यमा FGS वर्जन 3 है जो आपके सामने खड़ी है। तो इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल्स बताने वाले हैं कि इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस होने वाली है और इस बाइक में आपको कितनी माइलेज मिलती है, क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो ये सभी कुछ डिटेल्स में आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करें इस बाइक के फ्रंट लुक और स्टाइलिंग से। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो फ्रंट लुक आपको जो मिलता है, सेम वही लुक आपको मिलती है। इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी शार्प आपको इसके हेडलाइट मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम से लगती है। LED हेडलाइट आपको मिलती है, हाई बीम लो बीम। और प्राइसिंग की बात करें तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 149,186 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी, जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि यह बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ अवेलेबल है। और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फुल डिस्ट्रीब्यूटर कंसोल मिलती है, इस तरह से इसका लुक निकल के आती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। मस्कुलर आपको इसके फ्यूल टैंक देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके फ्यूल टैंक पे आपको यहाँ पर FGS के आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे गोल्डन कलर दिया हुआ है। और वर्जन 3 की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और गाइस, यहाँ पे देखेंगे इसका जो फ्यूल टैंक आपको मिलता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। और फ्यूल टैंक के फ्रंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर हल्का सा क्रोम दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो लुक है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो गाइस, आपको ओवरऑल यह बाइक कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्यूल टैंक पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों साइड में यमह की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। और गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो उसका फ्यूल टैंक आपको डुअल टोन कलर मिलता है, तो इस कलर में आपको इसकी फ्यूल टैंक लगी मिलती है। बीच में आपको ब्लैक फाइबर बॉडी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लू कोर की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। फ्यूल फ्रेंडली आपको इस तरह से मिलती है। और एक अच्छी बात इसमें आपको मिलती है कि इसका जो इग्निशन की आपको मिलता है, इसके फ्यूल टैंक पे दिया हुआ है। इस तरह से इसका फ्यूल टैंक प्रोफाइल है। 30 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है इस बाइक में। इसमें आपको जो इंजन गार्ड लगा मिलता है, ये फाइबर बॉडी का इसमें दिया हुआ है। 150cc का आपको इसमें इंजन मिल जाती है। यहाँ आप देखेंगे सभी जो SSCs लगी मिलती है, ये सभी कुछ आपको इसमें अच्छी क्वालिटी का इसमें लगा मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी का इसमें लगा मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो एग्जॉस्ट मफलर आपको मिलता है, सिल्वर फिनिशिंग मिलती है। और यहाँ पर ऊपर साइड में इसमें ब्लैक फिनिशिंग में आपको देखने को मिलती है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ इसका जो व्हील्स का कलर आपको मिलता है फ्रंट और रियर दोनों साइड में, इसमें आप देखेंगे तो गोल्डन करके आपको इसका व्हील देखने को मिल जाती है, चाहे फ्रंट और रियर में, तो जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और रियर से देखेंगे तो इस बाइक का जो लुक है ना, कुछ इस तरह से निकल के आती है। टेललाइट आपको जो मिलती है, LED टेललाइट से मिलती है, जो काफ़ी शार्प आपको देखने को मिलती है। और टर्न सिग्नल आपको जो लगा मिलता है इस बाइक में, इसमें फ्रंट और रियर दोनों साइड में हैलोजन बल्ब के इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। और गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का लेफ्ट साइड प्रोफाइल, तो लेफ्ट साइड से इस बाइक का जो लुक है कुछ इस तरह से निकल के आती है। और इस साइड में भी देखेंगे फ्यूल टैंक पर, तो आपको यहाँ पर यमह का जो आपको लोगो मिलता है यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आपको मिलती है। फ्यूल टैंक पे आपको FGS की आपको बैजिंग मिलती है, वर्जन 3 की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है। और फ्रंट में यहाँ पे क्रोम आपको देखने को मिलती है। अब गाइस, बात करें इस बाइक के सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे दोनों साइड में, तो आपको यहाँ पर फेंडर पे ABS की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है दोनों साइड में। और जो व्हील्स का कलर आपको मिलता है, गोल्डन कलर का आपको मिल जाता है। और व्हील साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज लगी मिलती है, इसमें 17 इंचेस का फ्रंट में व्हील साइज दिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे तो आपको जो इसमें टायर साइज लगाया मिलता है फ्रंट में, 100x80 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर इस बाइक में लगी मिलती है। तो गाइस, जैसा कि यह बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ है, तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, 282mm का आपको इसका डिस्क ब्रेक लगा मिलता है विथ ABS के साथ। और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें आपको जो ब्रेक कैलिपर लगा मिलता है, बाइब्रेक का इसमें ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है। अब गाइस, बात करें इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग का, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन आपको रियर में भी ऑफर किया गया है। और अब बात करें इस बाइक के रियर ब्रेकिंग की, तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है, 220mm का आपको डिस्क ब्रेक लगा मिलता है। और व्हील साइज की बात कर लें तो व्हील साइज आपको जो रियर में लगी मिलती है, आपको सेम व्हील की मिलती है जैसा कि आपको फ्रंट में मिलता है, तो 17 इंचेस का आपको व्हील साइज मिलती है, जिसमें अगर आप देखेंगे रियर में टायर लगे मिलते हैं, फ्रंट की अपेक्षा आपको इसमें वाइडर टायर लगे मिलते हैं, 140x60 17 इंचेस का आपको इसमें रियर में ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है, जिसकी ग्रिपिंग आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी इसमें ग्रिपिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी वाइडर टायर इसमें ऑफर किया गया है।
और ये टायर हर आपको इसमें मिलता है। और गाइस बात करें इस बाइक के सिटिंग कंफर्ट की, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो सीट आपको मिलती है डुअल टोन कलर में यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से आपको सीट मिलती है, ब्लैक फिनिशिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। जो सीट हाइट आपको मिलता है इस बाइक में 790 mm का इसमें सीट हाइट दिया हुआ है। कुशनिंग की बात करें तो इसमें आपको जो कुशनिंग मिलती है काफ़ी अच्छी खासी इसमें कुशनिंग मिल जाती है, जो काफ़ी कम्फर्ट आपको प्रोवाइड करने वाली राइडर और पेन दोनों के लिए। तो सीटिंग कम्फर्ट ओवरऑल बात करें तो काफ़ी अच्छी आपको इस बाइक में मिल जाती है। और प्लेन ग्रेस आपको कुछ इस तरह से इसमें ऑफर किया जाता है, मेटलिक का आपको लगा मिलता है। और गाइस बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको जो इसमें इंजन लगी मिलती है 149 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड आपको इसमें इंजन लगी मिलती है। इंजन पावर की बात करें तो इसमें आपको जो पावर निकल के आती है 12.2 bhp की आपको पावर मिलती है एट 7250 rpm पे आपको मैक्सिमम पावर मिलती है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क आपको जो मिलता है इस बाइक में 13.3 Nm का आपको टॉर्क मिल जाती है एट 5500 rpm पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। तो पावर फिगर आपको काफ़ी अच्छा खासा इस बाइक में मिल जाता है। और जिसमें आपको गियर बॉक्स लगा मिलता है, 5-speed गियर बॉक्स इसमें दिया हुआ है विद साइड स्टेट इंजन कटऑफ सेंसर के साथ आती है। तो ये सभी फीचर्स आपको मिलते हैं। अब बात करें इस बाइक के हैंडलिंग पोजीशन की, तो आपको जो इसका हैंडलिंग मिलता है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। इसका जो हैंडलिंग मिलता है और बाइक के लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड पासिंग लाइट का आपको स्विच मिलती है, टर्न सिग्नल और हॉर्न के यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। और राइट में आप देखेंगे तो आपको जो यहाँ पे स्विच मिलती है इंजन के स्विच और पावर स्टार्ट के यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। और गाइस बात करें इसमें मीटर कंसोल की, तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिलती है। सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं, टैकोमीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ट्रिप मीटर, एबीएस की लाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके मीटर कंसोल में। अब गाइस बात करें इस बाइक के डायमेंशन की, तो इस बाइक का जो कर वेट निकल के आ रहा है 135 kg का आपको इसका वेट मिलता है। लेंथ आपको मिलती है इस बाइक की 1990 mm का इसका लेंथ दिया हुआ है। विड्थ आपको मिलती है 780 mm का विड्थ दिया हुआ है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है FGS में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। और व्हील बेस आपको जो मिलता है इस बाइक में 1330 mm का व्हील बेस दिया हुआ है। और अब बात करें इस बाइक के ओवरऑल हाइट के बारे में, तो इसका जो ओवरऑल हाइट मिलता है 1080 mm का इसका हाइट दिया हुआ है। और माइलेज की बात करें तो गाइस इसमें आपको जो माइलेज मिलती है नियर अबाउट 40-45 kmpl की आपको इस बाइक में माइलेज आराम से मिल जाती है। तो गाइस ये रहा यामाहा FGS रेड कलर का डिटेल रिव्यू। आपको रिव्यू और बाइक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।